Good morning, class 9. So today we are going to start our poem, and the name of the poem is Vent, and it was written by Subramanya Bharati. And this poem is belong to your book Behind. So बच्चों अभी हमने क्या किया है कि first हमने poem इसमें पढ़ ली है, ये आपकी second poem है, और इसको पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ये जो poem लिखी गई थी वो A.K. Ramanujan के द्वारा लिखी गई थी, जो कि तमिल भाषा में थी, ठीक है. लेकिन इसको जो हमारे सुब्रमण्य भारती जी हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, और आज हम उन्हीं का एक वर्जन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो देखते हैं यहाँ पे जो हमारी पोयम है, जैसा कि उसका नाम है यहाँ पे विंड. तो विंड मतलब होता है हवा. तो हवा की जो तेजी होती है, विंड से क्या क्या दिक्कतें हमें आ सकती हैं, तो यानी कि विंड और पोएट का जो कन्वर्सेशन है वो हमें इस पोयम में देखने को मिलता है. तो पोयम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पोयम के माध्यम से ह्यूमन बींग्स को एक मैसेज जाता है कि जब हम अपने लाइफ में कमजोर होते हैं तो हमें कोई भी तोड़ सकता है, यानी कि हमारी मजबूरियों का या फिर हमारी कमजोरी का फायदा कोई भी उठा सकता है. बट अगर हम वहीं पे स्ट्रांग बन जाते हैं और ब्रेवली हर मुश्किलों का सामना करते हैं, तो क्या है, हमें कोई भी ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है. तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं पोयम. मैंने आपको टू स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में बताना है, और इसके बाद आप लोग इसको अच्छे से रीड करेंगे घर में. तो फर्स्ट इतना स्टार्ट होता है, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स एंड द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो द मैन डाउन. यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो पोएट है वो क्या कर रहे हैं, वो विंड से बातें कर रहे हैं, डेमोंस्ट्रेशन करते हुए कह रहे हैं कि कम विंड कम सॉफ्टली, यानी कि हवा तुम आराम से चलो, आराम से बहो, ताकि द स्कैटर्स ऑफ द विंडो, यानी कि हमारे खिड़कियों को कोई भी नुकसान ना हो. डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, इतना आराम से बहो कि हमारे जो स्लिप पे रखी हुई बुक्स हैं वो नीचे ना गिरे, और हमारे जो पेपर्स रखे हुए हैं वो कहीं उड़ ना जाए, ठीक है. देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो द मेल्टडाउन. तो कहते हैं कि तुम इतना तेज से बह रही हो कि जितनी भी चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं वो सारी क्या है, नीचे गिर गई हैं. यू थ्रो द पेजेस ऑफ बुक्स यू गॉट रेन अगेन, और आप इतना तेजी से बह रहे हो कि जितना तेजी से क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है. यानी कि यहाँ पे विंड को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं कि हमारे घर में जो कमजोर चीजें होती हैं, चाहे वो खिड़कियां हों, दरवाजे हों, या फिर सेल्फ रखी हुई बुक्स हो, उन चीजों को क्या कर रहे हैं, तोड़ने का प्रयास कर रही है कौन, वेद, ठीक है. सेकंड स्टैंडर्ड देखिए, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग एट फन ऑफ वीकलिंग्स. देखिए यहाँ पे लिखा है पोकिंग, पोकिंग मतलब होता है फन करना, यानी कि आप उन चीजों को चिढ़ा रहे हो जो कि कमजोर है, जो कि वीक है, ठीक है. फिर क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रेफर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ, क्रम्बलिंग हार्ट्स, विंड गॉट विंडो एंड क्रम्बल्स ऑफ देन ऑल. यानी कि हमें बताया गया है कि आप उन्हीं चीजों को नुकसान पहुंचाते हो जो चीजें क्या होती हैं, वीक होती हैं, कमजोर होती हैं, जैसे कि वीक खिड़कियां, वीक दरवाजे, वीक हमारे घर में रखी हुई वो सारी चीजें जिन पे की हवा का असर हो सकता है. तो यहाँ पे हमने अभी दो स्टेंजा पढ़ा है, इसलिए हमें ये बताया गया है इस पोयम में कि आपको अपने हार्ट को, अपने बॉडी को, अपने घरों को बहुत ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए, ताकि कोई भी इसका मिसयूज ना कर सके और कोई भी इसका फायदा ना उठा सके. थैंक यू, हैव अ गुड डे.